समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुरन चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने अपने कृतित्व से प्रत्येक भारतीयों के मन में अपनी लोकप्रियता एवं जगह बनाई थी, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दी और जयप्रकाश जी ने क्रांति का दायित्व युवाओं के कंधों पर सौंपना प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा कि राजनीति एवं समाज में गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में जयप्रकाश नारायण का प्रमुख स्थान था। वह महान व्यक्तित्व, जुझारू प्रवृत्ति और साहसी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के गुणों से थे। वह किसी वर्ग विशेष के ना होकर भारत के युवा से लेकर सभी उम्र के लोगों के जननायक माने जाते थे, इसलिए जनता भी उन्हें लोकनायक के नाम से जानती है। इस अवसर पर विनोद यादव, विजय यादव, रौनक श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव, गोलू यादव, निवास यादव, संदीप चौरसिया, राहुल निषाद, इरफान उल्लाह खान आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव ने कहा, कपिश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। देखिए, आज संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, समाजवाद सिद्धांतों को स्थापित करने वाले, भारत में नव चेतना देने वाले और आपातकाल की स्थिति में तानाशाह सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले और तरणाई को जगाने वाले, जिनके लिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था कि हमारे ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मजलूमों, गरीबों और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की लड़ाई लड़ी है। जयप्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें गांधी जी ने लोकनायक की उपाधि प्रदान की हो, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं, श्रद्धा सुमन उनको अपना अर्पित किए हैं।